Hello viewers, today I am going to tell you about a copyright. What is a copyright? When a person creates an original work that is fixed in physical medium, they automatically own copyright to the work. जो काम आप खुद करते हो और उसको किसी माध्यम में फिक्स करते हैं उसको वो आपका काम हो जाता है और आप उसके लिए किसी को भी कॉपीराइट दे सकते हैं। किस तरह के वर्क कॉपीराइट होते हैं? ऑडियो विजुअल वर्क, टीवी शो, मूवी, ऑनलाइन वीडियो, साउंड रिकॉर्डिंग, म्यूजिकल कंपोजिशन, रिटन वर्क सच एज लेक्चर, आर्टिकल्स, बुक्स, म्यूजिकल कंपोजिशन, विजुअल वर्क सच एज पेंटिंग, पोस्टर, एडवर्टीजमेंट, वीडियो गेम्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ड्रामेटिक वर्क सच एज प्लेज एंड म्यूजिक्स। जो भी आप क्रिएट करते हैं कोई वर्क, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो मूवी बनाने वाला हो, चाहे म्यूजिक क्रिएशन करने वाला हो, लिरिक लिखने वाला हो, वो सब कॉपीराइट में आता है। जो जिसका जो काम होता है वो उसको राइट होता है कि वो उसको किसी को दे यूज करने के लिए या ना दे। आइडियल फैक्ट्स एंड प्रोसेस आर नॉट सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, लेकिन फैक्ट्स और आइडियाज जो होते हैं वो आपके कॉपीराइट नहीं होते। आप आइडिया और फैक्ट्स देखते हैं लेकिन वो कॉपीराइट में नहीं आता। अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट लॉ, इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर कॉपीराइट प्रोटेक्शन वर्क, अ वर्क मस्ट बी क्रिएटिव एंड इट मस्ट बी फिक्स्ड इन अ टेंजिबल मीडियम। अगर कोई क्रिएटिव वर्क है और वो किसी मीडियम में आप फिक्स करते हैं तो वो कॉपीराइट वर्क हो जाता है। कैन आई यूज अ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क विदाउट इंफ्रिंजिंग? किसी के काम को क्या हम यूज कर सकते हैं विदाउट उसको कुछ डिस्टर्ब किए? इट पॉसिबल टू यूज अ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड वर्क विदाउट इंफ्रिंजिंग द ओनर कॉपीराइट आइदर थ्रू टू वेज। दो ढंग से हम किसी के काम को यूज कर सकते हैं, फेयर यूज और गेटिंग परमिशन टू यूज समवन एल्स कंटेंट इन योर वीडियो। जिसका काम आप यूज कर रहे हैं वो किसी अच्छे काम के लिए हो या फिर उसका परमिशन हो कि आप उसके काम को यूज कर सकते हैं। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ यूजिंग समवन एल्स म्यूजिक इन योर वीडियो फॉर रीयूज विद अ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स कॉल अ क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। अब आप किसी और का म्यूजिक अपने वीडियो में यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं? जिससे कि वो अट्रैक्टिव हो और ज़्यादा चले, तो उसके लिए आपको जिसका म्यूजिक आप यूज कर रहे हैं उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। कैन यूट्यूब डिटरमाइन कॉपीराइट ओनरशिप? क्या यूट्यूब कॉपीराइट ओनरशिप को डिटरमाइन कर सकता है? नॉट एट ऑल। नो, यूट्यूब इजंट एबल टू मेडिएट राइट्स ओनरशिप डिस्प्यूट। अगर कोई क्लेम कर देता है कि मेरा काम इसने यूज किया है तो हम इसमें उसका प्रॉफिट का कुछ शेयर लेंगे, तो इसमें यूट्यूब कुछ नहीं कर सकता है। व्हेन वी रिसीव अ कंप्लीट एंड वैलिड टेक डाउन नोटिस। टेक डाउन नोटिस क्या होता है कि कोई क्लेम करता है कि अच्छा ये मेरा काम है तो मैं वो नोटिस दे देता है, तो यूट्यूब नोटिस देता है कि ये आप यूज नहीं कर सकते। वी रिमूव द कॉन्टेंट एज अ लॉ रिक्वायर्ड, और यहाँ पे लॉ आ जाता है तो हमको उस कंटेंट को अपने वीडियो में से हटाना पड़ता है। When we receive a valid counter notification, we forward it to the person who requests the removal. After this, it's up to the parties involved to resolve the issue in court. अगर आप रिक्वेस्ट करते हो और वो पार्टी मान जाती है कि आप उसके प्रोडक्ट को यूज करिए, उसके क्रिएशन को यूज कीजिए, तब तो ठीक है, अदरवाइज You have to resolve it, this issue in high courts. Court ही में आप legally आप उसको resolve कर सकते हैं, और अगर disclaimer नहीं माना तो आप उसको use नहीं कर सकते, वो video आपका freeze हो जाएगा।
और उस पर ना ही एडवर्टीजमेंट आएगा, ना ही आप कोई काम कर पाइएगा। या तो जो अगर सॉन्ग यूज़ किया है उसको डिलीट कर दीजिएगा, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या उसको रिप्लेस कर दीजिए, या उसका पोर्शन आप वीडियो का ट्रिम कर दीजिए, हटा दीजिए, तब आप उस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। इस कॉपीराइट द सेम एज ट्रेडमार्क? क्या कॉपीराइट ट्रेडमार्क की तरह ही होता है? कॉपीराइट इज जस्ट वन फ्रॉम अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इट्स नॉट द सेम एज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में काफ़ी फर्क है। कॉपीराइट्स में जो होता है आपका प्रोटेक्ट द वो ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करता है, उसका कुछ मोटो होता है, इसका लोगोज होते हैं एंड अदर सोर्स आइडेंटिफायर फॉर बीइंग यूज्ड बाय अदर फॉर सर्टेन पर्पस, और वो कुछ किसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है तो उसको आप नहीं यूज़ कर सकते। इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम पैटेंट लॉ। तो ये ट्रेडमार्क और पैटेंट लॉ से फर्क है। विच प्रोटेक्ट इन्वेंशंस, यूट्यूब ऑफर्स अ सेपरेट रिमूवल प्रोसेस फॉर वीडियो विच वॉयलेट ट्रेडमार्क और अदर लॉ, और उसके लिए वो दूसरे लॉ यूज़ करता है जिससे कि आपका वीडियो अगर वॉयलेटेड है उनके रूल को, तो वो कैसे प्रोसेस हो या उस वीडियो को हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। कॉमन मिसकॉन्सेप्शन अबाउट कॉपीराइट, लोगों के बहुत गलत थॉट हैं कि कॉपीराइट डिफरेंट इन चीज़ों को सोचने से हट जाएगा। कीप इन माइंड डूइंग फॉलोइंग वोंट प्रिवेंट अ कॉपीराइट क्लेम अगेंस्ट योर कॉन्टेंट। लोग बस कह देते हैं पढ़ाने के लिए करना चाह रहे हैं, इसमें कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं, इसलिए ये हमारा फेयर यूज़ है। लेकिन अगर डिस्क्लेमर नहीं मानता तो वो फेयर यूज़ नहीं माना जाएगा और डिस्क्लेमर आपको कोर्ट में ले जा सकता है। गिविंग क्रेडिट टू द कॉपीराइट ओनर मीन्स यू कैन यूज़ देयर कॉन्टेंट? नो। Giving credit to copyright owner doesn't automatically give you right to use their copyright work. उसको credit दे के आप छुट्टी पा लेते हैं और उसका सामान use कर लेते हैं। Be sure to secure the right to all unlicensed element in your video before you upload in the YouTube. अब आप YouTube पे कुछ अगर upload करते हैं तो वो unlicensed होना चाहिए। If you relying on fair use, even if you add original material or someone copyrighted work, your video may not qualify. आप बस ये लिख के कि fair use के लिए use कर रहे हैं, आप किसी के original material को नहीं use कर सकते हैं, उसमें copyright आ सकता है अगर owner आपको copyright दे दे। Claiming non-profit means you can use any content. आप बस ये कह के कि हम तो नॉन प्रॉफिट यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, उससे आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल इज नॉट इन अ बाई इट सेल्फ वेन इट केम कम्स टू फेयर यूज़, कोर्ट विल लुक केयरफुली एट अ पर्पज ऑफ योर यूज इन इवेलुएटिंग वेदर इट इज़ फेयर और नॉन प्रॉफिट। यूजर्स आर फेवर्ड इन फेयर यूज एनालिसिस बट इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक डिफेंस बाई इट सेल्फ। बस केवल ये कह देने से कि हमने तो डिस्क्लेमर का नाम दे दिया और फेयर यूज़ पढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो फेयर नहीं माना जाएगा, उसको कोर्ट जो होगा प्रॉपरली चेकअप करेगा कि नॉन प्रॉफिट के लिए है कि नहीं है, और ये आपको उससे बचा नहीं सकता है कि आपके पास कॉपीराइट क्लेम आएगा कि नहीं आएगा। ये टोटली ओनर पे डिपेंड करता है। अदर क्रिएटर डू इट सो यू कैन डू, अगर कोई किसी तरह का वीडियो बना रहा है तो आप उसी का कॉपी करके बना देते हैं अनऑथराइज ढंग से, और दूसरा अनऑथराइज ढंग से काम कर रहा है इसलिए आप भी करेंगे, तो ये कोई बात नहीं है। वन टाइम्स वेरी सिमिलर वीडियो एज ओन बाय डिफरेंट कॉपीराइट ओनर वन में ग्रांट परमिशन अनदर डज नॉट, तो उसी टाइप का वीडियो बन रहा है लेकिन एक जो है वो आपको परमिशन देता है कि यूज़ कर लीजिए और दूसरा क्रिएटर जो होता है वो परमिशन नहीं देता कि यूज़ कर लीजिए, तो दूसरा परमिशन नहीं देता है कि यूज़ कर लीजिए तो वो कॉपीराइट क्लेम दे सकता है।
यू कैन यूज कॉन्टेंट यू परचेज ऑन iTunes, अ CD और DVD. क्या ऐसा है कि आप CD DVD खरीद के लाए तो उसके कंटेंट को यूज कर लीजिएगा? जी नहीं, आप उसके कंटेंट को बिल्कुल नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो भी किसी और का क्रिएशन है. चाहे आप कॉपीराइट ओनर को क्रेडिट दीजिए, पोस्ट वीडियो दैट इंक्लूड कंटेंट यू परचेज में स्टिल वायलेटेड कॉपीराइट लॉ. तो जो उसका कंटेंट आप यूज करके अपने वीडियो में यूज करती हैं, तो वो कॉपीराइट लॉ के अंडर आता है और आपको कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है, क्योंकि वो दूसरे का प्रोडक्ट है, आपका नहीं है. कंटेंट यू रिकॉर्डेड योरसेल्फ फ्रॉम टीवी और मूवी थिएटर और रेडियो इज ओके. क्या ऐसा है? टीवी मूवी थिएटर और रेडियो का आप जो कंटेंट कॉपी करते हैं, जस्ट बिकॉज यू रिकॉर्डेड समथिंग योरसेल्फ डज नॉट ऑलवेज मीन यू ओन ऑल राइट्स टू अपलोड इट टू यूट्यूब. ऐसा नहीं है कि आप किसी के कंटेंट को कॉपी कर लिए, डाउनलोड कर लिए, तो वो आपका हो गया. इफ़ व्हाट यू रिकॉर्डेड इंक्लूड समवन एल्स कॉपीराइटेड कंटेंट, सच एज कॉपीराइटेड म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, देन यू विल स्टिल नीड अ गेट परमिशन फ्रॉम द एप्रोप्रिएट राइट ओनर. आप बैकग्राउंड म्यूजिक यूज कर रहे हैं, लेकिन आप उसको परमिशन उस आदमी से लीजिए जिसकी वो म्यूजिक है, अदरवाइज आपको कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है. सेइंग नो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट वाज इंटेंडेड. क्या आप कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का कोई किसी के रूल को परेशान, किसी के लिए डिस्क्लेमर देकर बस सोच रहे हैं कि आपको कॉपीराइट क्लेम नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है. कॉपीराइट ओनर परमिशन टू पोस्ट द कंटेंट अगर आपको मिल गया, नॉट डू दे ऑटोमेटिकली मीन यू आर मेकिंग फेयर यूज ऑफ द मटेरियल. परमिशन मिलने पे भी नहीं आपको प्रॉपर छूट है कि आप किसी के मटेरियल को यूज करिए. वो किसी भी समय आपको क्लेम दे सकता है. क्यों? क्योंकि अगर आपका उसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है और डिस्क्लेमर चाहता है कि उसमें आप उसको भी कुछ प्रॉफिट मिले, तो वो किसी भी समय कॉपीराइट क्लेम दे सकता है. इट्स फाइन टू हैव जस्ट फ्यू सेकेंड ऑफ कॉपीराइटेड कंटेंट. चाहे आपने कुछ समय के लिए ही कोई क्लिप ली हो, फोटो ली हो, इवन इफ इट्स जस्ट फॉर फ्यू सेकेंड में रिजल्ट इन योर वीडियो गेटिंग क्लेम बाय कंटेंट आईडी. वो कंटेंट आईडी का क्लेम आपके आप इसमें आ जाएगा, क्योंकि आपने किसी का क्लिप लिया है, किसी का फोटो लिया है, किसी का कुछ लिया है, तो वो भी कॉपीराइट क्लेम में आ जाएगा और कॉपीराइट ओनर जो है वो आपको कंटेंट आईडी क्लेम दे सकता है. यू कैन आर्ग्यू फेयर यूज, बट यू शुड अंडरस्टैंड दैट ओनली प्लेस वेयर अ फेयर यूज डिटरमाइंड कैन बी मेड इन कोर्ट रूम. तो आप तो कहेंगे हम तो फेयर यूज के लिए यूज किया, लेकिन वो डिटरमाइन होगा केवल कोर्ट रूम में. अगर कोर्ट में कह दिया गया कि हाँ ये आपका कंटेंट नहीं है, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी और का कंटेंट यूज करके अपना वीडियो बनाया है. सो प्लीज आप लोग अपना ओरिजिनल कंटेंट यूज कीजिए और वीडियो बनाइए, नहीं फर्दर फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है. ये सारी चीजें यूट्यूब में बताई गई हैं और उसी से हमने भी हेल्प ली है. सो बी केयरफुल, कॉपीराइट क्लेम से बचिए. और कॉपीराइट क्लेम, अब अगले उसमें हम बताएंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉपीराइट क्लेम एंड टेक डाउन, और बहुत सी चीज़ें हैं कॉपीराइट से रिलेटेड. धीरे धीरे सब हम बता देंगे. आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, जो फ्यूचर के लिए काम आएगा. कैसे कॉपीराइट क्लेम हटाते हैं ये भी अभी आएगा. पहले उसका डिफरेंस बता देंगे, तब हम आपको बताएंगे. थैंक यू व्यूअर्स. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड